इस ट्यूटोरियल में कैसे सब्सटेंस पेंटर से मटेरियल को एक्सपोर्ट करके अनदर 3D सॉफ्टवेयर में जैसे माया, सब्सटेंस प्लेयर, सब्सटेंस पेंटर एंड सब्सटेंस सॉरी अनरियल इंजन में कैसे इंपोर्ट करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर एक्सपोर्ट करूँगा जिसे मैं अनदर सॉफ्टवेयर में यूज करूँगा। सो यहाँ से पैरामीटर एक्सपोर्ट करना कैसे करते हैं ये देखूँगा फर्स्ट। सो मैंने अगर इसकी अमाउंट इस जो एक्स अमाउंट वाई अमाउंट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट एक्सपोज पैरामीटर यहाँ से ब्रिक अमाउंट ब्रेक अमाउंट सो इसे इसमें से जस्ट एक्स एंड वाई इसे एक्सपोज करूँगा। नेक्स्ट इसकी जो रैंडम रोटेशंस वैल्यू जिसे मैंने यूज किया था इसे एक्सपोज करूँगा। नेक्स्ट अब किसी भी नोट्स को जो आपको चाहिए अब ग्रेडियंट को भी ग्रेडियंट इंटेंसिटी जो है इसकी जो इंटेंसिटी इसे भी आप एक्सपोज कर सकते हैं यहाँ से बस एक्सपोज पैरामीटर एंड यहाँ से अगर ग्रे जीएंट इंस्टेंसिटी को अब एक्सपोज करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे जो आउटसाइड में डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट मैंने जो ये चार अभी मैं क्रिएट किया हूँ जो इनपुट पैरामीटर्स इसे मैं अदर सॉफ्टवेयर में यूज करूँगा एंड यूज करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। आप किसी भी जो आप कंट्रोल दूसरे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल करना चाहते हैं उससे आप उस इनपुट्स को आप यहां से अब अगर यहां से यूज कर सकते हैं। अब अगर कलर चेंज करना चाहते हैं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे तो मैंने इसे भी एक्सपोज करूंगा यहां से आउटपुट। सो कलर सी येलो कलर एंड 01 ओके तो इसे इसमें डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कलर 01 ए फाइल एंड मैं इसे सेव करूँगा। सो यहाँ से सेव नेक्स्ट इसे एक्सपोर्ट करूँगा। पहले मैंने सब्सटेंस पेंटर और सब्सटेंस डिजाइनर में सॉरी लिंक देखूंगा। सो यहां से मैं राइट क्लिक एंड पब्लिश SPSAR। नेक्स्ट यहां इसे मैं डेस्कटॉप में रखता हूं डेस्कटॉप एंड सेव। सो यहां पे कुछ नहीं चेंज करना है ओके। नेक्स्ट इसे मैं सब्सटेंस प्लेयर में यूज करूँगा। सो सब्सटेंस इज सब्सटेंस प्लेयर यहाँ पे मैं ओपन यहाँ से डेस्कटॉप अभी मैंने सेट किया है ये सब्सटेंस SPSAR ओपन मैंने फिर से रीओपन किया हूँ। सो यहाँ से ओपन ओपन से यहाँ से जो डेस्कटॉप में ये जो इसकी जो वैल्यूज मैंने कलर यहाँ से कलर जो मैंने सब्सटेंस
पेंट सब्सटेंस डिजाइनर में जो एक्स आउटपुट में जो पैरामीटर एक्सपोर्ट किया था, ये चार पैरामीटर अमाउंट, इसमें अमाउंट यहाँ से नेक्स्ट अमाउंट, यहाँ से रैंडम रोटेशंस ए रोटेशंस, बस इसे इस सॉफ्टवेयर में किसी भी ऑप्शंस यहाँ से किसी भी आप जिसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अब अगर क्रैक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रैक्स, यहाँ से एक्सपोज पैरामीटर, यहाँ से क्रैक्स CRSCKS क्रैक्स, सो क्रैक्स आफ्टर दैट स्केल एंड ओके ए यहाँ पे चलाया एंड यहाँ से फाइल पब्लिश SPSR सॉरी राइट क्लिक एक्सपोर्ट SPSR एंड इसे मैं फाइल सेव करता हूँ, सेव नेक्स्ट, यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन यहाँ से फाइव नेक्स्ट, यहाँ पे क्रैक्स, इस क्रैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यह है मेरा जो अनरियल इंजन की प्रोजेक्ट टेम्पल रन प्रोजेक्ट है, सो इसमें मैंने उस ब्रिक को यूज करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से तो अभी मैं अनरियल इंजन में कैसे इंपोर्ट करते हैं इस बारे में बात करेंगे। सो यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर लेता हूँ, न्यू फोल्डर ये मेरा क्लियर फोल्डर है क्लीन। नेक्स्ट इसमें एक सब्सटेंस जो ब्रिक मटेरियल्स है मैंने जो क्रिएट किया था, यहाँ पे सब्सटेंस प्लग इन जो है मार्केट प्लेस से डाउनलोड करना है, सो फ्री है वो, मैंने वो डाउनलोड कर ली। तो यहाँ से इंपोर्ट, नेक्स्ट मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं यहाँ से, अगर इसे सब्सटेंस पेंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो इस मटेरियल को यहाँ से मैंने इस मटेरियल को यहाँ पे ड्रैग करूँगा एंड ड्रैग करने के बाद यहाँ अनडिफाइंड से यहाँ से बेस मटेरियल नेक्स्ट यहाँ से करंट सेशंस नहीं, आप परमानेंटली इसे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल्फ, लेकिन मैंने अभी ट्यूटोरियल में दिखाने के लिए यूज करूँगा, सो इसे मैंने करंट सेशन में ही रखूँगा, करंट सेशन में उसकी डिफाइंड नेम यहाँ से नेक्स्ट इंपोर्ट। सो ये मेरा आ चुका है, इस मटेरियल को आप किसी भी न्यू मैंने देखता हूँ और क्रिएट ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्ले लो, इसमें मैंने यूज करूंगा। सो इसमें जस्ट ड्रैग करना है एंड यहाँ से टाइलिंग मोड को ऑन